ओपन कर दिया, ये देखो बारिश में फंस गए यार हम बीच में। खोलो खोलो। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे और दुआ करती हूँ सब अच्छे रहो, सेफ रहो। सो गाइज, मैं हो गई हूँ रेडी और उठ गई थी सुबह। एक्चुअल में भी हो क्या रहा है ना कि बेटा आया हुआ है और वो बहुत लेट तक उठता है और मेरी भी ऐसी आदत हो गई है ना, रात भर नींद नहीं आती मुझे और सुबह हो जाता है लेट, बट उठना पड़ता है गाइज क्योंकि मेरी बेटी का अभी समर वैकेशन नहीं हुआ है और उसका स्कूल सुबह मॉर्निंग 6 बजे है तो मुझे 5:15 बजे उठना पड़ता है। तो इस तरह से मेरी स्टार्ट होती है मॉर्निंग। और अभी बज चुके हैं सुबह के 11 और हमारा नाश्ता वगैरह सब हो गया है। नाश्ता में क्या क्या बना था वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है क्योंकि गाइज बहुत एक्साइटेड हुए हैं, मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने मायके। और मेरा मायके गाइज कोलकाता में है और मेरे मॉम डैड बहुत ज़्यादा कॉल कर रहे हैं कब आओगी कब आओगी, तो हम कोलकाता जा रहे हैं। तो आप देखना मेरा रूम किस तरह से पूरा मचा हुआ है और चलो देखते हैं अभी तो बच्चे क्या कर रहे हैं और नाश्ता में मैंने क्या बनाया वो भी आप लोग देखना और रूम की हालत देखना। तो फटाफट आज हम बहुत सारे काम करने वाले हैं पूरा, मुझे अलमीरा ठीक करना है। मेरा अलमीरा ऐसे खोलोगे तो कपड़ा ऐसे गिरेगा, सो पूरा अलमीरा ठीक करना है आज। मैं पैकिंग में बच्चों के कपड़े डाल लूँगी, हर्ष के जितने भी हॉस्टल से कपड़े आए थे सारे धुलवा के आयरन करके मैंने रख दिए हैं। और चलो अब फटाफट बढ़ते हैं काम की और स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। गुड मॉर्निंग हर्ष मोदी, हेलो, ये क्या? दस बज गया, 10 से ऊपर हो गया है, 10:30। उठो पागल है क्या? उठो 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 बेटा, नहा धो के नाश्ता करो, उठिए हर्ष मोदी। दीपांशी मोदी यहाँ पी रही है कोल्ड ड्रिंक और टीवी के साथ सैंडविच। तो दीपांशी सैंडविच कैसा बना है? बहुत टेस्टी। सो गाइस, आपने देखा दीपांशी खा रही है सैंडविच और यहाँ मैं बना रही हूँ पूरी सब्जी हलवा। तो यहाँ देखो एक तरफ बन रहा है आटे और सूजी का हलवा, मुझे हलवा बहुत पसंद है तो हर्ष को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। दीपांशी भी खा लेती है, वो हलवा खा लेगी और दीपांशी को सैंडविच बहुत पसंद है। और यहाँ देखो कितना टेस्टी सा हलवा बन गया है और यहाँ पूरी का आटा लग गया है और यहाँ कढ़ाई भी चढ़ा दी है मैंने और गर्मा गर्म पूरी बना लेंगे। और आलू की सब्जी तो सबको पता ही है कैसे बनता है, तो यहाँ हर्ष का प्लेट लगा दे रही हूँ मैं। हर्ष सो के उठ गया है जैसा कि आपने देखा है, तो यहाँ हर्ष को दे दूँगी प्लेट। और नाश्ता करने के बाद हर्ष को मैंने बोला नहा लो, तो लेकिन देखते हैं क्या करता है वो। तो ये देख लो अभी उठा है ये, और आज दीपांशी का स्कूल था नहीं तो वो भी लेट उठी, लेकिन उसे भूख लग जाती है तो उसने नाश्ता कर लिया। और दीपांशी ने बनाया एक प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा कार्ड, पॉकेट डायरी। तो गाइस आप लोग देखना और बताना, और बिना बताए बिना बोले वो बिना किसी के हेल्प के बनाती है और फिर हमें लाकर दिखाती है, तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि दीपांशी को मैंने देखा है उसे बहुत ज़्यादा पसंद है आर्ट एंड क्राफ्ट। और ये स्टिकर उसने खुद ड्रॉ किया है, कटिंग किया है और स्टिकर के ऊपर उसने सेलो टेप लगाया है ताकि उसका स्टिकर पूरा मार्केट जैसा लगे। आप देख सकते हो जो इतनी साइनिंग कर रही है स्टिकर, इसने कटिंग करके स्टिकर के ऊपर लगा दिया है सेलो टेप और अपनी पॉकेट डायरी को पेपर को पूरे अच्छे से खुद से कटिंग किया है बिना किसी के हेल्प से। और यहाँ देखो ये डायरी कैसी लग रही है बताना, दीपांशी का यहाँ डायरी में लॉक भी डाला है इसने ताकि ये डायरी को ये कंप्लीट जब कर देगी तो आपको पूरा दिखाएगी। सो गाइस देख सकते हो आप, ये देखो ये मेरे हर्ष का लगेज है, ये सारे हर्ष के लगेज है, हर्ष लेके आया ये सारे लगेज। तो ये सारे लगेज हर्ष लेकर आया था तो जो कि मैंने खाली कर दिया है। और इसमें इस ये वाला जो लगेज है ना, ये जो ब्लैक और रेड वाला प्रिंटेड बैग है, इसमें मैंने हर्ष के सारे कपड़े धो धो के रखे हैं आयरन करके। और मेरी जो दीदी है जो आती है वो बहुत हेल्प कर देती है, वो सारे काम कर देती है मेरा, तो उसकी हेल्प से मैंने सारे काम कर लिए हैं और अब बच्चों के कपड़े डालूंगी। और इस रूम की हालत देखो, पूरा रूम मचा हुआ है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे भी रेडी हो गए और वो बना रहे हैं अपना होमवर्क।
क्योंकि हर्ष को इतने सारे होमवर्क मिले हैं कि क्या बताऊं। तो चलो देखते हैं बच्चे अभी क्या कर रहे हैं। सो आप देख सकते हो दीपांशी कर रही है अपना होमवर्क। दीपांशी बिल्कुल रेडी हो गई है, लेकिन इसे देखो, इसे नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। ये यहाँ पर बोल रहा है एक पेज लिख लूँ फिर नहाऊंगा, तो वो अपना होमवर्क कंप्लीट करके नहाएगा। और दीपांशी अपना हैंडराइटिंग दिखा रही है, बोल रही है मेरा हैंडराइटिंग दिखाओ सबको। तो देख लो दीपांशी के हैंडराइटिंग और दीपांशी के ड्रॉइंग। और यहाँ ये मेरी अलमीरा की हालत देखो, जहाँ मैं डेली यूज के कपड़े रखती हूँ। ये देखो यहाँ कितने सारे कपड़े मैंने बाहर निकाले हैं। तो थोड़ा सा अलमीरा कर लेते हैं साफ, क्योंकि गाइस पूरा अलमीरा मैं जाऊंगी तो ऐसे मचा हुआ अलमीरा देखकर भी कैसा लग रहा होगा ना। तो अलमीरा गाइस हमें रोज़ ही साफ़ करना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि जब अलमीरा हमारा, ये देखो मैंने खाली कर दिया, और जब भी कुछ कपड़े निकालो तो अलमीरा इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि क्या बताऊँ। तो यहाँ मैं पूरे कपड़े को अच्छे से जमा लूँगी, और जमाने के बाद देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो कितना अच्छा लग रहा है ना, यहाँ मैंने पहनने के जितने कपड़े थे रख लिए और नहीं पहनने वाले सारे निकाल दिए ताकि अलमारी मेरी खाली रहे। तो ये देखो यहाँ, और बाकी के कुछ कपड़े आयरन के लिए हैं। और यहाँ ऊपर मैं डेली यूज के पर्स रखती हूँ, और ये मेरी डेली यूज की साड़ियाँ हैं। तो साड़ियाँ तो बहुत कम यूज होती है गाइस। तो यहाँ ये काम करते करते लंच का टाइम हो गया था, और लंच फिर मैंने बच्चों को दे दिया। यहाँ देखो बच्चे लंच कर रहे हैं, और हर्ष का अभी तक नहाना नहीं हुआ है। तो यहाँ हर्ष और दीपांशी लंच कर रहे हैं, और लंच में क्या बना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइस लंच में बना है चावल, और उसके बाद बनी है कोफ्ते की सब्जी, यानी कि लौकी का कोफ्ता। और गाइस इतनी टेस्टी लौकी का कोफ्ता बना था ना कि मेरे हस्बैंड तो उंगलियाँ चाटते रह गए। और उसके बाद बना था आलू का भाजा, जो कि बहुत ही टेस्टी यम्मी सा आलू का भाजा बना था। आप देखो कितना अच्छा। और मेरे लिए बन रही है रोटी, तो फिर मैं करूँगी लंच। गाइस आप देख सकते हो पानी है, और इसमें डाला है एलओसी, एम्बे का एलओसी, जो डाल के आप इससे बैग वगैरह कुछ भी साफ करो पूरा क्लीन हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखो बैग कितना क्लीन हो गया है, और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता ये। सो गाइस देखो पैकिंग हो गई मेरी, और ये देखो एक सिर्फ अटैची हर्ष का ही आ गया इसमें, दो लेना पड़ा मुझे, एक ये और एक वो, इसमें भी बच्चों का कपड़ा है। सो देखो इसमें हर्ष और दीपांशी का है, और इसमें भी हर्ष, खोलिए तो लक्ष्मी। तो ये है पूरा कपड़ा, तो फटाफट पैकिंग कर लिया मैंने आज हर्ष और दीपांशी का। और गाइज मैं लेके आ गई हूँ यम्मी सा लंच। तो यहाँ मेरा यम्मी सा लंच है, दाल है, दही है, कोफ्ते की सब्जी है, और ये बरबट्टी वाली सब्जी कल की है, तो मैंने आलू भाजा नहीं लिया। और यहाँ है दो फलका, तो मैं यहाँ कर लेती हूँ लंच। हे दोस्तों देखो हमारे घर पे आ गई है आंधी तूफान और तेज बारिश, और बहुत तेज बारिश आ रही है, आंधी रही है, मोटी मोटी बूंदे, और मैं आ गई हूँ छत पे आप लोगों को मौसम दिखाने के लिए। अचानक से इतनी गर्मी थी और अचानक से वो बारिश हो, आप देख सकते हो पूरा बारिश। और ये देखो क्या हालत हुई है, मैं बैक कैमरा से दिखा रही हूँ, ये देखो कितनी तेज बारिश आ रही है। और ये देखो मेरा मोबाइल उड़ जाएगा, आप देख सकते हो बारिश। और ये देखो बारिश, और ये देखो हालत हमारे छत की। चलो मीठी चल नीचे चल, ये देखो मान नहीं रही है, नीचे नहीं जा, मीठी नीचे चलो, वहां पे बिजली चमक रहा है। ये देखो गाइस कैसे जोर जोर से बिजली चमक रही है, और बारिश अचानक से आ गई बहुत तेज बारिश। तो चलते हैं नीचे, मैं बारिश से भीग भीग के बना रही हूँ वीडियो। ये देखो मीठी चल रही है, ये देखो कि बंद नहीं आ, बीटू जल्दी आ, दिखा दे दिखा मेथी पूरा भीज गई है। ये देखो गाइस दीपांशी कैसे पानी में भीज रही है, मान नहीं रही है, आप बताओ बीमार पड़ेगी या नहीं। और मुझे जाना है बाहर, ये देखो तो कितना मस्ती कर रही है वो बारिश में, बारिश में, और किसने छत का गेट बंद कर दिया, ये देखो हम बारिश में फंस गए, और किसी को नहीं पता ऊपर है और गेट बंद कर दिया गया है। यार हम भीग गए, खोलो खोलो खोलो, मत खोलो, मत खोलो, मत खोलो।
बारिश तो देखो, अब बारिश रुकी है और हम छत पे हैं। अब अच्छा लग रहा है थोड़ा, और बहुत ही अच्छा हवा आ रहा है छत पे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम आ गए हैं ऊपर। गैस हमारे यहाँ है ना, थोड़ी सी भी आंधी तूफान अगर एक बार ज़ोर से आ जाए तो लाइट चली जाती है। जीनू रो रहा है, जीनू की आवाज़ आ रही है। और यहाँ दीपांशी खा रही है पास्ता, ले रही है मज़ा। ये देखो, तो आप सब भी खाओ पास्ता, टेस्टी टेस्टी। देखो कितना यम्मी सा पास्ता बना है। सो ये है पास्ता, और हमारा जीनू रो रहा है। देखो, हेलो करो, हेलो करो जीनू, तेरा जीनू। सो गाइज, जीनू की रोने की आवाज़ आ रही थी, और बस थोड़ी देर ऊपर है। वॉक पर लगता जा नहीं पाऊँगी क्योंकि कोई भरोसा नहीं है पानी का। अभी तुरंत में तेज़ और तुरंत में बारिश रुक जाती है। सो और ये देखो, चारों तरफ का वेदर बहुत अच्छा हो गया है। सो गाइज, बस अब जाऊंगी नीचे, और नीचे देखते हैं डिनर में। अभी तो पास्ता खा लिया बच्चों ने, तो बच्चे तो पास्ता ही खाएंगे, और डिनर में और पता नहीं क्या बनाऊंगी। हस्बैंड आएंगे तब पता चलेगा। और सो गाइज, ठंडी मौसम में मैं पी रही हूँ चाय और सुहाली, और देखो सारे बच्चे मेरे साथ लग गए। और जीनू, जीनू मोदी, मेरा चाय नहीं पी सकते आप। ये क्या, ये क्या, वाह बेटा, हाथ में तांता लग जाएगा। देख लो, देख लो, मेरी चाय में सब मजा ले रहे हैं ना, मेरा चाय में सब कोई मजा। तुम क्या हंस रहा है? मम्मा नहीं बोला था। कौन बोला खाने के लिए? मम्मा। तो गाइस देखो, हम सब छत के ऊपर, सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, और हमारा छोटू, ये है हमारा दारा सिंह। क्यूटू क्यूटू पाई है हमारा ये। और हमारा जीनू पीनू को देखिए आप। जीनू हाय कर, हेलो बोलो सबको। जीनू का नाम क्या है? हेलो, व्हाट इज योर नेम? जीनू मोदी के आनंद मोदी। जीनू का नाम तो कुछ नहीं थी, जीनू को पता भी नहीं है। ये क्या, ये क्या, ये क्या? सो गाइस, चलो ये पी के फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। हे गाइस, सो डिनर में सिंपल सा डिनर था। मैंने डिनर में कुछ नहीं बनाया, सिर्फ पास्ता और उत्पम बना लिया था, क्योंकि जो डोसा का बैटर था ना वो बच गया था, तो उत्पम बना लिया। चटनी थी तो उत्पम और चटनी आपने जैसे देखा सबने खा लिया, और रसगुल्ला जो था वो प्रसाद का था तो रसगुल्ला भी खा लिया सबने। तो डिनर हो गया हमारा एकदम अच्छे से, और अब मैं आ गई हूँ रूम में और कर लिया है चेंज। तो मैं आ गई हूँ अपनी नाइट वेयर में, और गाइस बस अब हम सोएंगे, तो थोड़ी देर बैठेंगे और टीवी वगैरह देखेंगे, और फिर हम अच्छे से गहरी निंद्रा में सो जाएंगे। तो गाइस चलो फिर इस ब्लॉग का एंड भी करते हैं, फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सब हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरी तरह गाते रहो। बाय।